11 अगस्त को साल 2018 का आखिरी सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। ये सूर्य ग्रहण साल का तीसरा सूर्य ग्रहण होगा। इस दिन सूर्य ग्रहण के साथ शनिचरी अमावस्या भी पड़ रहा है। इससे पहले फरवरी और जुलाई के महीने में सूर्य ग्रहण लगा था। ये सूर्य ग्रहण आंशिक होगा, जो कि 3 घंटे 35 मिनट तक रहेगा। शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें सूर्य ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। हम आपको बता दें कि ग्रहण काल के समय कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी होता है, जिससे आप किसी भी नुकसान के होने से बच सकते हैं। 11 अगस्त शनिवार की दोपहर को 1:32 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा और शाम 5 बजे तक सूर्य ग्रहण रहेगा। 10 अगस्त की रात 1:32 से ग्रहण का सूतक काल भी शुरू हो जाएगा। 11 अगस्त को पड़ने वाला साल का तीसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण चीन, उत्तरी को अमेरिका, एशिया, दक्षिणी कोरिया, ऐसे कई सारे देशों में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए। पहला, हिंदू धर्म में ग्रहण काल के समय पूजा पाठ करना या कोई भी शुभ काम करना वर्जित है। दूसरा, ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए। सूतक के समय खाने की चीजों में तुलसी के पत्ते डालकर रख दें। तीसरा, सूर्य ग्रहण के समय तुलसी और शमी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। चौथा, गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए और घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। पांचवा, मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान आप किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पहला, सूर्य मंत्र, ओम घृणी सूर्याय नमः। दूसरा, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीसरा, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युं मूर्च्छय मामृतात्। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।